हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल मूवी लूप। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एमएक्स प्लेयर पे अवेलेबल 10 बहुत ही बेहतरीन हिंदी डब्ड मूवीज के बारे में। तो आपने अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। हमारी लिस्ट की 10th मूवी है सोलिस। सोलिस 2018 में एक साईफाई एडवेंचर मूवी है जिसमें कहानी दिखाई गई है ट्रॉय नाम के एक एस्ट्रोनॉट की, जो एक स्पेस मिशन पर सन पर रिसर्च करने के लिए गया होता है। लेकिन उसके मिशन में फेलियर हो जाने की वजह से उसके बाकी क्रू मेंबर्स की मौत हो जाती है और सिर्फ ट्रॉय बच जाता है, जिसके बाद ट्रॉय का स्पेसशिप सीधा सूरज में जा रहा होता है, जिसके बाद ट्रॉय खुद को बचाने के लिए क्या करता है ये आप इस मूवी में देख सकते हो। सोलिस को IMDb पर 5.0 की रेटिंग मिली हुई है और 63% गूगल यूजर्स ने इस मूवी को लाइक किया है और इस मूवी का रन टाइम 1 hour 32 minutes का है। 9th मूवी है ए नाइट टू रिग्रेट। ए नाइट टू रिग्रेट 2018 में एक थ्रिलर मूवी है जिसमें कहानी दिखाई गई है चेल्सा नाम की एक लड़की की, जो कि एक दिन अपने एक चाइल्डहुड फ्रेंड मिला से मिलती है, जो कि एक वेबकैम गर्ल होती है। वह चेल्सी को बिना बताए उसको वेबकैम पर ले आती है। वहां पर चेल्सा को एक आदमी देख लेता है, जिसके बाद वह चेल्सा को स्टॉक करना शुरू कर देता है, जिसके बाद वो आदमी चेल्सा के साथ क्या करता है और क्या चेल्सा उससे बच पाती है आप इस मूवी में देख सकते हो। ए नाइट टू रिग्रेट को IMDb पर 5.1 की रेटिंग मिली हुई है और इस मूवी का रन टाइम 1 hour 29 minutes का है। हमारी लिस्ट की 8th मूवी है अटैक ऑन टाइटन। अटैक ऑन टाइटन 2015 में एक एक्शन फैंटेसी मूवी है जिसमें कहानी दिखाई गई है एक ऐसी दुनिया की जहां पर इंसानों के साथ टाइटन्स भी एग्जिस्ट करते हैं। टाइटन बहुत बड़े दैत्य जैसे जीव होते हैं जो इंसानों के ऊपर अटैक करते हैं और उन्हें मारकर खाते हैं। इन टाइटन से बचने के लिए इंसानों ने चारों तरफ बड़ी बड़ी दीवारें बना दी है, लेकिन फिर एक दिन कुछ ऐसा होता है उनमें से एक दीवार टूट जाती है, जिसके बाद टाइटन शहर में आ जाते हैं। अब इन टाइटन से बचने के लिए इंसान क्या करते हैं आप इस मूवी में देख सकते हो। अटैक ऑन टाइटन को IMDb पर 5.1 की रेटिंग मिली हुई है और 72% गूगल यूजर्स ने इस मूवी को लाइक किया है। इस मूवी का रन टाइम 1 hour 38 minutes का है। हमारी लिस्ट की 7th मूवी है द फ्यूरीज। द फ्यूरीज 2019 में एक हॉरर थ्रिलर मूवी है जिसमें कहानी दिखाई गई है एक लड़की की जिसे किडनैप कर लिया जाता है और उसे जबरदस्ती एक डेडली गेम में पार्टिसिपेट करवाया जाता है, जहां पर एक मास्क मैन लड़कियों को पकड़ते हैं और बहुत ही ब्रूटल तरीके से उनको मार देते हैं। तो क्या वो लड़की इस सिचुएशन से बचकर निकल पाती है आप इस मूवी में देख सकते हो। दोस्तों, ये एक स्लेशर मूवी है, तो अगर आपको टेक्सस चेंसो और रोंगटन जैसी मूवीज पसंद है तो आपको ये मूवी भी काफी ज्यादा अच्छी लगेगी। द फ्यूरीज का रन टाइम 1 hour 22 minutes का है और इस मूवी को IMDb पर 5.4 की रेटिंग मिली हुई है और 80% गूगल यूजर्स ने इस मूवी को लाइक किया है। नेक्स्ट मूवी है मिथिका ए क्वेस्ट ऑफ हीरोज। मिथिका ए क्वेस्ट ऑफ हीरोज 2014 में एक फैंटेसी एक्शन मूवी है जिसमें कहानी दिखाई गई है मेरिक की, जो कि एक गुलाम होती है, लेकिन एक दिन वो अपने मालिक के अत्याचारों से तंग आकर उसका मर्डर करके भाग जाती है, जिसके बाद उसे एक आदमी मिलता है जो कि अपनी बहन की तलाश में होता है। उसकी बहन के पास एक बहुत ही कीमती चीज होती है, जिसके बाद मेरिक उस आदमी को ऑफर देती है कि वो उसकी बहन को ढूंढने में मदद करेगी, जिसके बदले में उसको वो कीमती चीज में से कुछ हिस्सा चाहिए। जिसके बाद मेरिक और वो आदमी उसकी बहन को ढूंढने की जर्नी पर निकलते हैं। अब इस दौरान उनके साथ क्या होता है और क्या वो उसकी बहन को ढूंढ पाते हैं इस मूवी में देख सकते हो। मिथिका ए क्वेस्ट फॉर हीरोज को IMDb पर 5.7 की रेटिंग मिली हुई है और 76% गूगल यूजर्स इस मूवी को लाइक किया है। इस मूवी का रन टाइम 1 hour 33 minutes का है। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको अपने एक दूसरे चैनल के बारे में बताना चाहता हूँ, जहाँ पर मैं साईफाई एंथोलॉजी वीडियोस को बनाता हूँ। तो अगर आपको साईफाई एंथोलॉजी वीडियोस देखने में इंटरेस्ट है तो आप मेरे दूसरे चैनल को विजिट कर सकते हो, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट मूवी है मोजिन द लॉस्ट लेजेंड्स। मोजिन द लॉस्ट लेजेंड्स 2015 में एक एक्शन एडवेंचर मूवी है जिसमें कहानी दिखाई गई है 3 मोजिन्स की। मोजिन वो लोग होते हैं जो ताबूतों और कब्रों से कीमती खजाने को ढूंढकर निकालते हैं, लेकिन अब इन तीनों ने अपना ये काम छोड़ दिया है। लेकिन फिर कुछ टाइम बाद इनके पास एक ऑफर आता है जिसमें इन्हें खजाने की तलाश करनी होती है। इस खजाने का इनके पास से भी कोई कनेक्शन होता है, जिसके बाद ये तीनों डिसाइड करते हैं कि वो लोग इस खजाने को ढूंढकर निकालेंगे। जिसके बाद इन लोगों के साथ क्या होता है और क्या ये लोग खजाना ढूंढ पाते हैं आप इस मूवी में देख सकते हो। मोजिन द लॉस्ट लेजेंड्स इस मूवी का रन टाइम है 2 hour 7 minutes का है और इस मूवी को रेटिंग्स मिली IMDb पर 6.1 की और 79% गूगल यूजर्स ने इस मूवी को लाइक किया है। नेक्स्ट मूवी है पार्कर। पार्कर 2013 में आई एक एक्शन थ्रिलर मूवी है जिसमें कहानी दिखाई गई है पार्कर नाम के एक आदमी की, जो कि बहुत ज्यादा शातिर चोर होता है। हर कोई उसे अपनी गैंग में लेना चाहता है, लेकिन एक रॉबरी के दौरान उसके साथ कुछ ऐसा होता है जिसकी वजह से उसकी लाइफ पूरी तरह से खतरे में आ जाती है। अब उस रॉबरी के दौरान पार्कर के साथ क्या होता है और क्या पार्कर इसे जिंदा बचकर निकल पाता है आप इस मूवी में देख सकते हो। पार्कर को IMDb पर 6.2 की रेटिंग मिली हुई है और 82% गूगल यूजर्स ने इस मूवी को लाइक किया है। इस मूवी का रन टाइम 1 hour 58 minutes का है। नेक्स्ट मूवी है द एक्सपेंडेबल्स 3। द एक्सपेंडेबल्स 3 2014 में एक एक्शन एडवेंचर मूवी है। यह मूवी एक्सपेंडेबल्स मूवी सीरीज का थर्ड पार्ट है, जिसमें कहानी दिखाई गई एक टीम की जिसका नाम एक्सपेंडेबल्स होता है, जिसमें कहानी दिखाई गई एक्सपेंडेबल्स का पुराना दुश्मन स्टोनबैंक्स वापस आ जाता है और एक्सपेंडेबल्स को खत्म करने की कोशिश करता है, जिसके बाद एक्सपेंडेबल्स स्टोनबैंक्स को रोकने के लिए क्या करते हैं आप इस मूवी में देख सकते हो। एक्सपेंडेबल्स 3 को IMDb पर 6.1 की रेटिंग मिली हुई है और 85% गूगल यूजर्स ने इस मूवी को लाइक किया है।
हमारी लिस्ट की सेकंड मूवी है ऑपरेशन मेकोंग। ऑपरेशन मेकोंग 2016 में एक एक्शन क्राइम मूवी है जिसमें कहानी दिखाई गई इंटरनेशनल टास्क फोर्स की, जो किस तरह से एशियन ड्रग कार्टल के खिलाफ एक मिशन को अंजाम देते हैं आप इस मूवी में देख सकते हो। तो अगर आपको मिलिट्री के मिशन की मूवीज देखना पसंद है तो आप ऑपरेशन मेकोंग मूवी को देख सकते हो। इस मूवी को IMDb पर 6.6 की रेटिंग मिली हुई है और 83% गूगल यूजर्स ने इस मूवी को लाइक किया है। हमारी लिस्ट की फर्स्ट मूवी है द एडमायरल रोरिंग करंट्स। रोरिंग करंट्स 2014 में एक वॉर एक्शन मूवी है जिसमें कहानी दिखाई गई है 1597 में हुए कोरिया और जापान के बीच के वॉर की, जिसमें क्या होता है और कौन सा देश इस वॉर को जीतता है आप इस मूवी में देख सकते हो। इस मूवी का रन टाइम 2 hours 6 minutes का है और इस मूवी को IMDb पर 7.1 की रेटिंग मिली हुई है और 88% गूगल यूजर्स ने इस मूवी को लाइक किया है। तो दोस्तों ये थी MX प्लेयर के ऊपर अवेलेबल 10 बेहतरीन हिंदी डब्ड मूवीज। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक जरूर कर देना और ऐसी और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।